तो अभी हो गया हमारे ट्यूशन का टाइम और अभी हम जाएंगे ट्यूशन। मम्मा हमें भी जाना है। बोला सही, बच्चे लाओगे नहीं? हाँ मम्मा, अगर बच्चे आए तो कोई नहीं जाएगा। बच्चे बच्चे कोई नहीं जाएगा। आओ तो ट्यूशन, एग्जाम चल रहे हैं, ट्यूशन जाएंगे तो चाय। मम्मा मैं तो दो मुझे लेके जाइए। अच्छा मैं रखती हूँ। हाँ और ले लेना, कहाँ रखती? फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं पार्टी में और अभी हम हो गए रेडी और अभी निकलने लगे सब। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए चाय टाइम पर रेस्टोरेंट में। और अभी हमने एक न्यू रूल बनाया है कि हम लोग बच्चों के बर्थडे तो सेलिब्रेट करते ही हैं, तो हम ग्रुप में लेडीज़ ने प्लान किया है कि हम लोग भी अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो हम जब भी किसी का बर्थडे होता है फ्रेंड्स मिलकर अच्छे से इंजॉय करके आते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, तो फुल ऑन मस्ती करते हैं। तो जब हम लोग छोटे होते थे तब लोग इतना बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ करता था, तो अब अगर हमारे पास टाइम है और हम बर्थडे सेलिब्रेट क्यों ना करें। तो इसीलिए हमने सब लोगों ने आगे से हमने प्लानिंग करी है कि हम लोग भी सब अपना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, चाहे एज कितनी भी हो, बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन तो सबका करता है। तो यहाँ पर अभी आ गया है खाना, हमने मंगाया पिज्ज़ा, पास्ता, सैंडविचेस और साथ में कोक, और काफ़ी फुल ऑन मस्ती की, फुल पेट भर के अच्छे से खाया। और यहाँ थी सेल्फ सर्विस, मतलब खुद ही जाकर लेके आना था ऑर्डर, और काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ की थीम देखिए आप, सब चीज़ें उल्टी लगी हैं, ऊपर थर्मस लगे हैं चाय वाले कैटल्स जो पुराने ज़माने में चलते थे, और कप्स, तो ये थीम थी वहाँ पे, सब कुछ उल्टा लगाया हुआ था। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था और खाना एकदम मस्त था, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमने सोचा अब केक कटिंग भी कर ली जाए, जिसके लिए हम आए हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ, जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया, पूरा रेस्टोरेंट हंस रहा था। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद हम लोग आए नीचे और वहाँ था एक किटी हॉल, क्योंकि हम लोग हर मंथ किटीज़ करते रहते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, तो उन्होंने बोला आप हमारा हॉल चेक कर लीजिए, तो हमने वो देखा, काफ़ी अच्छा था। उसके तो अभी हम आ गए हैं पार्टी से और कुंज रुचिका को मिली है पेस्ट्री। हाँ पार्टी में गए थे हम, आंटी का बर्थडे था ना, तो मैंने तुम्हारे लिए पेस्ट्री ले ली है। कि रुचिका से पूछो, तेरा दांत कहाँ गया? दिखाइयो। हाँ मैंने, मैं यहीं पे ही थी जब टूटा था। कैसी है? इतना गर्म हो रखा कमरा, एसी चला ले। बहुत टेस्टी है। आज ये सूरज कहाँ से निकला रुचिका? आज कई दिनों बाद तूने अपनी अलमीरा खोली है, मतलब सही नहीं करती ना कई दिन से, अभी किया ना कई दिन बाद स्टार्ट किया ना तूने, नहीं तो बीच में करती रहती थी थोड़े थोड़े दिनों में। पार्टी से आने के बाद देखा कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। वॉक करते करते मैंने देखा तो मून बहुत ही क्लोज दिख रहा था और काफी अच्छा दिख रहा था। क्या बोल रहा था? कुछ मुंह खोलियो। क्या बोल रहा था? पूरा मुंह खोल, पूरा मुंह खोल। दांत कहां से? तेरा दांत चूहे लगे हो रहे फिर। दांत फूट के तो खुश हो रहे हो? क्या गेम भी खेला? खेला सुबह से गेम खेल रहे हैं। गेम खेला, पढ़ा नहीं तुम्हारे? पढ़ा था नहीं, नहीं पढ़ाई करके आया अच्छे से। पढ़ा भी था? पढ़ा था, हो गया ना। घर से भी इसने 2 घंटे पढ़ाई की है। बंद कर दे, सारे दिन मत देखा करे। पापा घर पे से 2 घंटे पढ़ाएगी। कितनी देर खेला तू गेम? आज रुचिका ने मेरे से 2 टी शर्ट ऑर्डर करवाई है जबरदस्ती। पता सुना आपने? कैंसिल कर दूंगा मैं। नहीं करेंगे, मजाक कर रहे हैं। तो अभी हम बना रहे हैं वीडियोस और कुछ देखते क्या कर रहा है। सुनो कद्दू की सब्जी बनी पड़ी है, मैं तो आज पार्टी में गई थी, मैं तो खाना खाऊंगी नहीं। और आपको रोटी बनाई थी? चलो कद्दू की सब्जी सुबह वाली। हाँ तो काम करते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं खाना, मैं और चिकन। पार्टी मत लाइए, 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 पार्टी मत
घर वाली खा लो खाना। तुम घर के कद्दू ही खा लो। क्या क्या मंगाए बता फिर। रोज पाव भाजी। पाव भाजी नहीं बनाएंगे। कुछ ढंग की चीज बोलो जल्दी। क्या मंगाना है? क्या मंगाए? कुछ नहीं, आलू के परांठे नहीं मंगाएंगे। कोई नहीं, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मुझे लगा था कि मम्मा मजाक कर रहे हैं, पर मम्मा सच में जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं। बाय बाय। अरे वो क्या मिलेगा तुम्हें खाने के लिए? कितने खुश हो रहे हो मेरे बगैर जा रहे हो तो ना? मैं वहाँ तुम लोगों की शक्लें देखूं। खा लेना फिर। क्या चावल खाते हो वो? ठीक है, रोज रोज तुम बना लेते हो चावल। चलो अंदर। इसको कुंजी को बोल के देखो, कुंजी को बोल के देखो। जो पेठा तो आपका फेवरेट है। पेठा कौन से दिन आपका फेवरेट नहीं था? पेठा कुंजी को मना करके देखो तो और कुंजी नहीं चले। चल बाय मम्मा। तो अभी हम चलते हैं। अभी हम आ गए हैं लवली बेक स्टूडियो पे और मम्मा हमारे साथ में नहीं आए हैं। हमने मम्मा को बोला था आ जाओ, बट मम्मा नहीं पूछा। ओह माय गॉड। उधर चलना। कुंज को ना बस यहाँ पर कैंडीज दिख रही है उधर, और अभी कुछ पता नहीं बोले आप कुछ तो अचार ले ले कुंज अचार। तो आई पोपट हो गया हमारा। फास्ट फूड नहीं था तो उधर फास्ट फूड नहीं था तो फास्ट फूड क्लोज हो गया था। आई मतलब वो होटल ही बस वो रेस्टोरेंट बस क्लोज होने वाला था। तो पापा अब हम कहाँ जाएंगे? तो अभी हम आ गए हैं पानी भी उधर कर थोड़ी सी। तो अभी हम आ गए हैं और पापा हम क्या मंगाएंगे? दाद इधर की करना दाद वैसे टूटा पड़ा है। कुरकुरे मोमोज खाएंगे तो वेज स्टीम मोमो। हमें कुरकुरे मोमो खाने। तो अभी हमारे मोमोज आ गए हैं और पता है पापा ने बोला कि शेक बहुत ठंडा होगा तो हम मंगा के नहीं। बट पापा ने हम लोगों के दे दिया शेक। मेरा है ब्लूबेरी शेक और कुछ का है कुछ शेक है चॉकलेट है। चॉकलेट है वो। स्ट्रॉबेरी है। पापा आप पी के बताओ। स्ट्रॉबेरी है वो। पापा का मंचूरियन आ गया है। तूने क्या ऑर्डर किया था वैसे? हैं? ये ऑर्डर क्या किया था पीने के लिए? तू बोल रहा था चॉकलेट शेक है ये? चॉकलेट शेक है। अच्छा चीज बर्गर सॉरी वेज बर्गर आ गया। कुछ ने सबसे पहला बार लिया। कुछ बता कैसा है? अच्छा है ना? बस पापा बताओ कैसा है। तो हमसे तो मतलब खाने के लिए हमने पैक करा लिया है। और कुंजू कुंजू का हम बस उधर ही है। कुंजू यार तू थोड़ा सा ड्रामा करता है। कंटेंट मिल जाता। कंटेंट बैठ जाता है पीछे। ये नहीं मेरे साथ में बैठेगा ना। हम आ गए हैं घर पे। ये हमारे बर्गर ये ऊपर वाले इसके साथ ये भी दिए सौ आइस है। कौन जीते दूसरी बार बचाई बर्गर लाए हैं हम आपके लिए। बर्गर बर्गर अरे हमने पैक करा लिया। खाया नहीं जा रहा था मेरे से। हमने ना शेक पिया खाया हाँ, पर एक ब्लूबेरी शेक और एक
स्ट्रॉबेरी शेक। मैंने ब्लूबेरी लिया और कुंज ने स्ट्रॉबेरी, और पापा ने बोला ब्लूबेरी ज्यादा अच्छा है। पता है हम उधर गए पहले बेकरी वाले में, बेकरी स्टूडियो वाले में, उधर गए, उधर बंद होने वाला था वो, बंद हो गया था मतलब। फिर हम गए उधर, फिर हम ऐसे घूम रहे थे दो तीन मिनट, फिर पापा को याद हाँ नॉर्म कैफेटेरिया चलते हैं, फिर हम उधर गए मसाला डोसा। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।